अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई बच्चों? आप लोग ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? यार मैं एक दिन सुबह के वक्त उठा और मुझे जो है वो हमारे घर के जो फैमिली के व्हाट्सएप मैसेज पे जो है मैसेज आया कि पेट्रोल 306 का हो गया और 313 का होने वाला है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए परेशान हो गया। आप लोगों को पता है मैं किस तरह की बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मैंने कहा भाई ज़्यादा हो गया। बहरहाल मैं निकला, वो मैंने पेट्रोल भरवाया तो मेरा मिसाल के तौर पे कराची में लत से आप बोलें कि मलीर कैंट से लेकर टावर की तरफ जाना, या टावर भी नहीं कह रहे आप सदर तक जाना और वापस आना, मेरी बाइक पे तकरीबन जो है वो 800 रुपये का पेट्रोल ख़त्म। तो मैं आया, मैंने कहा ज़रा सर्च करूँ थोड़ी बहुत। तो पाकिस्तान में ईवीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं और बाज़ छोटे लेवल के ऊपर भी लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाज़ लोग अपनी बना भी रहे हैं। और मेट्रो की ईवी इस वक्त जो है वो सबसे मार्केट में जो है वो हॉट चल रही है। तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है मेट्रो ईवी के। आपके हारिस भाई से मैं आपको इंशाल्लाह इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और वो बताएंगे कि मेट्रो ईवी असल में है क्या और इसके पीछे बैक पे कौन सी कंपनी है, उसमें क्या नया है जो दूसरी कंपनीज ऑफर नहीं करें। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों को बताइएगा कि भाई इस वक्त करेंटली जो हालत चल रही है उसके तहत वाई मेट्रो ईवी में ऐसी क्या खसूसियत है जो दूसरी कंपनीज नहीं दे रही, आपकी बाइक्स में क्या खसूसियत है और हाउ इज़ इट बेटर? सर हमारी बाइक में ये है कि ना, वैसे हमारी कंपनी जो है 2003 से है पाकिस्तान में, ठीक है, पाक स्टार ऑटोमोबाइल कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। ये पेट्रोल की बाइकें तेज़ रफ्तार रिक्शे पंजाब में बनाती है। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया अभी 2023 में जनवरी में इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, अलग शेप के। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ यादिया, ग्लोबली नंबर ब्रांड यादिया है, उसको गूगल करेंगे आइडिया हो जाएगा। इंटरनेशनल ब्रांड है, 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग ना। नाइस जी, 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, अदर कंट्रीज़ में जाता है ना। और हमारे पास वैसे वेरिएंट अलग अलग, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, और शेप बिल्कुल डिफरेंट है। अदर ब्रांड, दूसरे ब्रांड्स भी बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बना रहे, वो भी बना रहे हैं, लेकिन उनके शेप मतलब 70 की बाइक है उसमें ऑल्ट्रेशन करके कर रहे हैं ज़्यादातर। हमारे पास ये है कि बिल्कुल शेप ही अलग है, बैटरी और मोटर पे चल रही, कोई है ही नहीं, मतलब पेट्रोल का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। आप पेट्रोल डलवाना ही नहीं, पेट्रोल की लाइन में ना लगना, आपने सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करनी है, फिर आपको अलग अलग है। कुछ 80 चल रही है हमारे पास साइकिल, फिर ये M6 है, मतलब हमारे पास कुछ मॉडल ऐसे हैं वो शॉर्ट है अभी, ये कि वो फिर हम बुकिंग कर रहे हैं ज़्यादातर। और मोस्ट रनिंग हमारा T9 है जो पूरे पाकिस्तान में सेल किया हमने, और उसकी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, खूबसूरत बहुत है, ज़्यादातर खूबसूरती बहुत है, मतलब खूबसूरत मॉडल्स हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली मतलब बाज़ लोग मिसाल के तौर पर जो बना रहे हैं यहाँ पर लोकली बना रहे हैं, वो बेसिकली बाइक्स का फ्रेम लेकर उसके अंदर चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन ये डेडिकेटेड बनी ही एज एन ईवी है। बिल्कुल ठीक है। तो इनकी बेसिकली यादिया की ईवीज़ में क्या बात जो है वो खुद मतलब समझे कि रेंज वाइज, बैटरी वाइज, ऐसी क्या ख़ास बात है जो दूसरी यहाँ पर लोकली अवेलेबल ईवीज़ में नहीं आ रही? इसमें यह है कि ना, ज़्यादातर इनकी बैटरीज़ वगैरह ग्रिफिन टेक्नोलॉजी है, जेल टाइप बैटरी है। अगर आपका एक्सीडेंट अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए, मतलब गाड़ी जलेगी नहीं। मोस्टली ईवीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, ये कि गाड़ी जल भी चुकी है ज़्यादातर ना, तो इसमें यह है कि ना जेल टाइप बैटरी नॉन फ्रेमेबल है, आग लगने का ख़तरा नहीं है। अगर बाई चांस ये बॉडी भी इसकी अच्छी है, ABS मटेरियल क्वालिटी है, उस चीज़ के पैसे हैं। रेंज ये है कि ना, प्राइस भी रिजनेबल है, इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप इनकी लाइफ भी काफ़ी है। जैसे 1000 चार्जिंग साइकिल्स हैं हमारे पास, एक LY मॉडल है, उसकी जो 75,000 किलोमीटर चलने के बाद परफॉर्मेंस में कमी आएगी, उसके बाद भी है कि बैटरी डेड नहीं होगी। माइल वो आपके चलाने पे डिपेंड करता है, आप कितने चलाते हैं रोज़। अगर आपकी रनिंग जैसे 30 किलोमीटर है, आप एक दो दिन के बाद चार्ज कर रहे हैं, समझ लो उसमें फ्यूल में बचत बहुत है। सही है, मैं सबसे छोटे मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद M6 है, उसकी 85,000 किलोमीटर चलने के बाद परफॉर्मेंस में कमी आएगी। और फिर उसके बाद जो है 1,00,000 पर मोस्ट रनिंग मॉडल हमारा T9 है, जो पूरे पाकिस्तान में सेल किया है, वो हॉट आइटम है सबसे ज़्यादा हमारा जी। उसमें 1,05,000 किलोमीटर, और चौथे में जो है 1,20,000 किलोमीटर, वो डिपेंड करता है रोज़ के यूज़ पे आपके। अच्छा, तो मेन क्वेश्चन जो बेसिकली जा रहा है, मेरा भी था और बहुत सारे दोस्तों का भी होगा क्वेश्चन, हम टेक्निकल डिटेल्स पर तो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, लेकिन भाई स्पीड क्या आती है इन गाड़ियों की, और दूसरी चीज़ रेंज क्या मिलेगी मिसाल के तौर पे एक चार्ज पे आपके डिफरेंट मॉडल्स में, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेंज मिल जाती है? सर हमारे पास जो रेंज है 80 है, 80 से लेके हमारे पास 125 रेंज तक है। अच्छा जी, यानी एक चार्ज पे 125 किलोमीटर तक। हाँ, एक चार्ज पे, ठीक है। तो 125 किलोमीटर्स वाली जो है मिसाल के तौर पे आपकी जो है वो आई थिंक जो नया मॉडल आया है E8S Pro,
E8S Pro जो मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, उस पर इंशाल्लाह भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आई थिंक ये जो T9 का, पता नहीं T9 की क्या रेंज आती है? T9 की है 105। यहाँ से बहरिया टाउन जो है शारा फैसल से, हमारे शोरूम से बहरिया टाउन जो है 48 है, ठीक है। मैं कस्टमर्स की गाड़ियाँ वगैरह भी छोड़ कर आया हूँ, मतलब आना जाना आपका आराम से होगा, अंदर घूम भी लेंगे आराम से। 105 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ही है, लेकिन हम क्लेम जो कर रहे हैं 105 है। यानी ये आप समझें कि रीजेंट प्लाजा कह लीजिए, अपना शारा फैसल पे रीजेंट प्लाजा से आप ज़रा गूगल मैप्स पे सर्च कर लीजिएगा, मिसाल के तौर पे प्रीसिंक 19 का सर्च कर लीजिएगा या प्रीसिंक 10 का सर्च कर लीजिएगा बहरिया टाउन के, बहरिया टाउन, तो वहाँ से यहाँ तक आना और जाना हो जाएगा। कस्टमर्स हमारे खुद चला के लेके गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने वीडियो भी डाली ज़्यादातर। हाँ? ये है कि ना M6 ये वाला मॉडल चला के लेके गए। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर मोस्टली कस्टमर्स आपको रिव्यूज़, आपको T9 तो अलहमदुल्ला आपको रिव्यूज़ भी यूट्यूब पर काफ़ी हैं ज़्यादा। जी। और ये कह रहे हैं वो तकरीबन 105 किलोमीटर 105 किलोमीटर और उसकी स्पीड यूजुअली क्या होती है? 40 to 45 है। देखें उसमें ये कि सेफ्टी आपकी है कि कंफर्ट लेवल उसका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अगर आप चलाएंगे उसकी लाइट्स वगैरह बॉडी वगैरह जंप्स वगैरह बहुत कंफर्टेबल है ज़्यादातर, और सीट्स वगैरह भी ज़्यादातर अगर दो बंदे भी बैठ के जा रहे हैं ना हैवी तो उसमें भी बहुत कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा है बैरियर टाउन का। नाइस। बैरियर टाउन वगैरह रोड पे ना। और E8S Pro का जो है उसकी क्या स्पीड है? उसकी स्पीड 65 से 70 है। हमने हर हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ, ज़्यादातर मतलब बच्चों के लिए भी है और मतलब नॉर्मल 40 to 45 भी है, 50 भी है, फिर हमारे पास 65, सबसे हाईएस्ट जो है स्पीड है वो 65 से 70, लेकिन वो 65 से 70 है लेकिन उसका पिक बहुत ज़्यादा है, 2000 वाट की मोटर है उसमें, अगर आप ज़रा सा भी देंगे जैसे 1 to 5 की तरह है वो, बिल्कुल स्पीड वगैरह डायनेमो दे दिया उसमें, क्वालिटी है उस चीज़ के पैसे हैं ज़्यादातर। 72 वाट 38 एम्पेयर की 6 बैटरीज हैं, 6 बैटरी सीरीज में लगी हुई है। बिल्कुल सीरीज में। बैटरीज पे भी इंशाल्लाह हम इस पे बात करते हैं। इनका TTFAR जो है बेसिकली इनकी रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, और उसमें इन्होंने ग्राफीन बेस जो है वो अपना बैटरीज दी हुई है। अच्छा, ग्राफीन की बैटरी के बारे में आप लोगों को सरेरा बताते चलें कि ग्राफीन की जो बैटरीज हैं उसके अंदर आपको लेड एसिड बैटरी में बेसिकली चार्ज साइकिल्स भी कम मिलते हैं और उसके अंदर आपकी जो है वो रेंज भी कम होती है। बिल्कुल। इसमें रेंज भी ज़्यादा होगी और चार्ज साइकिल्स अप टू 1000 तो इन्होंने कम से कम बोला। बिल्कुल, 1000 चार्जिंग साइकिल सब में है ज़्यादा। हाँ, चाहे तो हमारा छोटा मॉडल हो चाहे बड़ा हो, बस किलोमीटर का फ़र्क है, किलोमीटर जैसे आपके यूजेस पे डिपेंड करता है यूज़ कितना है आपका। सही सही। तो इस इंशाल्लाह ये छोटी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया, मैं आप लोगों को इनसाइड के अंदर इनकी तमाम डिफरेंट बाइक्स की वीडियोज़ भी दिखाता जाता हूँ। फिर हम आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना T9 के ऊपर, जो इनकी बेसिकली मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है, और फिर मैं एक और पे भी आऊँगा जो मैंने आप लोगों को दिखाना है कि पॉसिबल है कि मैं शायद वो ले लूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, shit check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and upset.